असलम नाज़रीन, मैं असगर चौधरी डेली मुमताज़ डिजिटल से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ थर्कोल। थर्कोल जो बिलखसूस अगर हम अंदरून सिंध की बात करें और डेजर्ट जो है थर का, जिसकी आबादी तकरीबन 17 लाख है, और कहा तो ये जा रहा है कि पता नहीं 22,000 स्क्वायर किलोमीटर या 22,000 किलोमीटर इसका टोटल रकबा है। मगर अब कुछ जो गुज़श्ता महीनों में जो बारिशें हुई थी, थर हमें डेजर्ट कम और लैश ग्रीन ज़्यादा नज़र आ रहा है। थोड़ी सी बात करेंगे, ये जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं थर्कोल जो प्रोजेक्ट है पावर जनरेशन का, यहाँ से अपनी अपने वसाइल से पैदा की जा रही है, मतलब थर के कोल से पैदा की जा रही है, और ये बिजली नेशनल ग्रिड में दी जा रही है। ये ब्लॉक 1 है जो मेरे अकब में है, इसी तरह ब्लॉक 2 भी है। और थर कोल की अगर बात करें तो आई थिंक के ये इतना बड़ा ज़खीरा है कि जो सदियों तक ख़त्म नहीं हो सकता। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये पाक चाइना दोस्ती की जो अमाला से बुलंद है और समुद्रों से गहरी दोस्ती है, ये उसका एक अक्कास है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो सिंध की और बिलखसूस अगर थर की बात करें तो उसकी पसमानदगी दूर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके प्रोजेक्ट के यहाँ पर लगने से, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट की जानब से यहाँ पर ज़्यादा जो तवज्जो दी गई है, मिट्टी की सूरत हाल यहाँ पर तब्दील हो चुकी है, मिट्टी खासा डेवलप हो चुका है। इस्लाम कोर्ट में हम इस वक्त खड़े हैं, चूँकि ये थर्कोल जो है ये इस्लाम कोर्ट में है, थर्कोल की हालत बदल चुकी है। यहाँ पर अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स तो खैर बहुत अच्छे हैं, और अगर पूरे थर की हम बात करें तो एक बेहतरीन कारपेटेड रोड जो हैं, ये क्रेडिट जो है बिलाशुबा सिंध गवर्नमेंट का जाता है, और फिर सीएम सिंध और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जो वीएन है उसके ऊपर सैयद मुराद अली शाह जो सीएम सिंध हैं, और साथ शर्जील इनाम मेमन वज़ीर इत्तला'आत सिंध, वो उन्होंने अपनी तवज्जा मजकूर कर रखी है। ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर ऐसे जो मंसूबे लगे हैं, अब मकामी लोगों के आलात ज़िंदगी को भी बेहतर होने चाहिए। थर्कोल एक कौमी असासा है, और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये थर हमारा है और ये थर्कोल भी हमारा है। आज इस थर से थर्कोल से क्या क्या आगे तरक्की के मनाजल तय होंगी, ये तारीख जो है वो एक नई रकम की जाएगी। मगर अभी तक जो तारीख रकम हुई है वो हमारे सामने इन चिमनियों से निकलता हुआ धुआं ये बता रहा है कि थर बदल चुका है, सिंध बदल रहा है। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।